किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। मैं हूं अंजु सिंह। हेलो किसान आप किसानों के एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है, जिसमें हम पशुपालन, खेती आदि से संबंधित विभिन्न विषय आप किसानों के लिए लेकर आते हैं, उन पर होती है विस्तृत चर्चा। और साथ ही क्योंकि एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है, इसीलिए हम आपकी कॉल्स का भी यहाँ स्वागत करते हैं। आप अपने सवाल, अपनी आशंकाएँ, अपनी समस्या या फिर अगर आप किसी भी विषय से जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, उससे पहले नज़र डालते हैं आज किन विषय पर हम बात करने वाले हैं जिनसे संबंधित आपके हम सवाल लेंगे। तो आज का हमारा विषय है दुधारू पशुओं का प्रबंधन, और साथ ही हम बात करेंगे कि कैसे हमारे पशुपालक शुकर पालन को अपना सकते हैं और इससे अच्छा लाभ भी ले सकते हैं। तो दोनों विषय के बारे में आप जान चुके हैं, अब आप कैसे हमें संपर्क करें इसके बारे में आपको जानकारी दे दें। जैसा कि हमारे बहुत सारे दर्शक, जो नियमित दर्शक हैं, वो जानते हैं कि हमारे टोल फ्री नंबर होते हैं 1800-113060, दूसरा नंबर 1800-113061 टोल फ्री, यानी इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। अगर आप कॉल करते हैं तो वो निःशुल्क नंबर हमारा है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। और साथ ही आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, यानी अगर आप एक स्मार्टफोन रखते हैं तो ये नंबर नोट कर लें 8800-520-7177। ये भी हमारा जो नंबर है आपके लिए उपलब्ध रहेगा। आप अपने सवाल हमें टेक्स्ट के माध्यम से यानी लिखकर भेज सकते हैं, वॉइस नोट भी भेज सकते हैं, उन्हें भी हम लाइव कार्यक्रम में शामिल करेंगे। इसके साथ ही आप जानते हैं कि हमारा एक ईमेल आईडी भी है, उस ईमेल पर भी आप हमें सवाल कार्यक्रम के दौरान मेल कर सकते हैं, hellokisan2015@gmail.com। चाहे आप हमें कॉल करें, ईमेल करें या फिर व्हाट्सएप करें, सवाल हम तक पहुंचेंगे। और यहां आपको बता दें कि इन सवालों को हम लाइव साथ ही साथ कार्यक्रम में शामिल करेंगे, अपने विशेषज्ञों के समक्ष रखेंगे ताकि उनका समाधान भी आप तक पहुंच सके। कुछ बुनियादी बातें हैं जिसको लेकर आप ध्यान रखें। हमारे दर्शक बहुत जागरूक हैं, लेकिन कई बार जब वो कॉल करते हैं तो वो टेलीविज़न को वॉल्यूम पर रखते हैं, इस वक्त उसकी वजह से हम आपको स्पष्ट रूप से नहीं सुन पाते हैं। तो पहली बात ये कि जब भी आप हमें कॉल करें, सबसे पहले टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दें ताकि हम आपको स्पष्ट सुन सकें, नेटवर्क क्षेत्र में रहें और ऐसी जगह से ही कॉल करें जहां पर बहुत शोर ना हो, ताकि सवाल समझने में किसी तरह की दुविधा ना हो। दूसरी बात, जब आप हमें व्हाट्सएप करें, ईमेल करें तो कम शब्दों में ज़्यादा बात कहने का प्रयास करें। अपना नाम, अपने क्षेत्र का नाम ज़रूर लिखें, क्योंकि कई बार आप किस क्षेत्र से हैं वो भी बहुत ज़रूरी होता है ताकि सही दिशा में आपके सवालों का जवाब दिया जा सके। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप इन बातों का अवश्य ध्यान रखेंगे। विषय आप जानते हैं दुधारू पशु का प्रबंधन और शुकर पालन, इससे जुड़ी हुई जो भी बातें हैं वो आज कार्यक्रम में आपको बताई जाएंगी और आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। समस्या का समाधान करने में हमारी मदद करेंगे विषय विशेषज्ञ, जो कि एक हमारे स्टूडियो में है और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ अगले एक घंटे तक मौजूद रहेंगी। सबसे पहले हम आपके यहाँ पर मुलाकात करवा देते हैं डॉक्टर KML पाठक जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और आप पूर्व कुलपति हैं दुवासु मथुरा, यानी एक लंबा अनुभव है, और जो दुधारू पशु की देख रेख है, या फिर मैं आपसे कहूँगी कि दुधारू पशु से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। और हमारे साथ डॉक्टर जया हैं, वैज्ञानिक राष्ट्रीय शुकर अनुसंधान केंद्र गुवाहाटी असम से। डॉक्टर जया, आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। आप जो शुकर पालन है उस पर हमें विस्तृत जानकारी देंगी और किस तरीके से शुकर पालन की शुरुआत की जा सकती है, कितने शुकर होने चाहिए, आवास, आहार प्रबंधन कैसे करें, और क्यों हम इसे कह रहे हैं कि ये एक बहुत ही आसानी से किया जाने वाला पशुपालन है, क्योंकि इसमें पशुओं की वृद्धि दर अच्छी होती है, मुनाफा काफ़ी बेहतर होता है। तो इसे और हम विस्तार से आगे बताएंगे। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं, आप अपने सवालों के साथ तैयार रहिएगा। तो सबसे पहले डॉक्टर पाठक, दुधारू पशु की हम बात कर लेते हैं, और अब हम ऐसे मौसम में पहुंच चुके हैं जहां गर्मी भी है लेकिन नमी भी धीरे धीरे घुलती जा रही है, और बरसात अब लगभग पूरे देश में धीरे धीरे पहुंच रहा है, और उत्तर भारत की बात करें तो अब बारिश भी होनी शुरू हो गई है। तो इस समय किस तरीके से जो हमारे दुधारू पशु हैं उनका प्रबंधन, जो थोड़ा गर्मी वाला था और एक ट्रांजिशन फेज है, ये यहाँ पर क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपने, इस समय थोड़ा थोड़ा मौसम परिवर्तन भी आ रहा है,
कहीं आंधी आ रही है तो कहीं बरसात हो रही है, और कुछ क्षेत्रों में अभी भी, जैसे अगर हम राजस्थान की बात करेंगे तो पश्चिमी राजस्थान में अभी भी उतनी ही गर्मी है, 45-46 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। तो इन गर्मियों में कहाँ, जैसा अभी आपने कहा, कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर ह्यूमिडिटी भी हो गई है, नमी भी आ रही है, तो इन इस तरह के जो 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 हमारा जो वेदर है, जो चाहे जहाँ गर्मी भी है, नमी भी है और सूखी गर्मी भी है, जी, तो जिस तरह से हम अपने को, हम इंसान प्रभावित होते हैं, उसी प्रकार इन सब चीज़ों से हमारे पशु भी प्रभावित होते हैं। पशुओं में विशेष रूप से दुधारू पशु, क्योंकि उनको दूध देना होता है और उनकी जो मेटाबॉलिज्म है, यानी जो जिसको वो चारा भी खाते हैं, चारा दाना खा के उसको कन्वर्ट करते हैं दूध में, तो वो जरूर रूप से प्रभावित होते हैं। अगर तापमान ज़्यादा होगा तो पशु जो है का जो दूध उत्पादन है, हमने देखा है वैज्ञानिक तरीके से कि बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत गर्मी के साथ नमी अगर होती है तो 10-15% तक दुग्ध उत्पादन घट जाता है। दुधारू पशुओं में विशेष रूप से मैं गाय और भैंस की बात करूंगा यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। तो हमको, हम पशुपालक भाइयों को हम ये बताना चाहते हैं कि इस बदलते मौसम में, अच्छा अभी कुछ क्षेत्रों में लू भी चल रही है, ऐसी बात नहीं है, हर जगह लू अभी बंद नहीं हुई है, तो वहाँ पर आपको अपने पशुओं का ध्यान रखना चाहिए। उसके बारे में आज पूरी जानकारी हम देंगे कि ऐसे मौसम में जहाँ के गर्मी का प्रकोप भी है, जहाँ पर ह्यूमिडिटी भी है, तो वहाँ पर किस तरह से जो हमारा दूध उत्पादन है वो प्रभावित न हो। साथ ही साथ दूध के साथ साथ एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि उस ऐसे मौसम में पशु हमारा बीमार ना हो। अगर पशु बीमार हो जाएगा तो पशुपालक को उसका नुकसान होता है, एक तो उसका इलाज कराना पड़ेगा, इलाज के साथ साथ जो दूध उत्पादन, जैसे मैंने कहा कि 10-15% दूध उत्पादन कम हो जाता है, तो उससे उनको आर्थिक हानि भी होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि 10-15% तक दूध उत्पादन कम हो जाता है, और देखिए जो लोग व्यवसाय से जुड़े हैं उन्हें पता है कि ये प्रॉफिट मार्जिन किस तरीके से आपको व्यवसाय में एक मेंटेन करना होता है, सारे खर्चे निकाल कर उसमें अगर सीधे 10-15% की कमी आ जाए, उसमें डिप आ जाए, तो ये हमारे पशुपालकों के लिए एक बड़ा नुकसान है, जो कि डेयरी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं या फिर जिनकी आजीविका पशुओं के दूध के ऊपर निर्भर करती है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपकी थोड़ी सावधानी आपको इस आर्थिक नुकसान से बचा सकती है। आगे बढ़ें, आपके सवाल लें और डॉक्टर पाठक से और विस्तार से और बारीकी से हम समझें, उससे पहले रिपोर्ट देखते हैं। गर्मी अपने चरम पर है, ऐसे में जिस तरह हम अपनी देखरेख करते हैं, उसी तरह इस मौसम में हमें अपने पशुओं का भी प्रबंधन करना चाहिए। दुधारू पशुओं की तो पशुपालक खास तौर से देखरेख करें, पशुओं के प्रबंधन में उनके रहने की जगह और आहार पर विशेष ध्यान दें। गर्मी में दूध उत्पादन और पशु की शारीरिक क्षमता बनाए रखने के लिए पशु आहार काफी अहम होता है। गर्मी में पशुओं को हरे चारे की ज्यादा मात्रा दें। इसके दो फायदे हैं। पहला, पशु ज्यादा चाव से स्वादिष्ट और पौष्टिक चारा खाकर अपना पेट भर लेता है। दूसरा, हरे चारे में 70-90% तक पानी की मात्रा होती है, जो समय समय पर पानी की पूर्ति करता है। इस मौसम में पशुओं को भूख कम लगती है और प्यास ज्यादा, इसलिए पशुओं को पर्याप्त मात्रा में दिन में कम से कम 3 बार पानी पिलाना चाहिए। ऐसा करने से पशुओं के शरीर का तापमान नियंत्रित करने में मदद मिलती है। पीने के लिए ठंडा पानी दें। सीधे तेज धूप और लू से पशुओं को बचाने के लिए पशुशाला के गेट पर खस या जूट के बोरे का पर्दा लगाएं। पशुशाला की छत इस तरह की बनाएं जो गर्मी को रोक सके। इसके लिए एस्बेस्टस शीट इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादा गर्मी के दिनों में छत पर 4-6 इंच मोटी घास फूस की परत या छप्पर डाल दें। ये परत गर्मी को रोकने का काम करती है, जिस कारण पशुशाला के अंदर का तापमान कम बना रहता है। पशुओं को छायादार जगह पर बांधें। पीने के पानी को छाया में रखें, जिससे पानी ठंडा रहेगा। पशुओं से दूध निकालने के बाद उन्हें अगर संभव हो सके तो ठंडा पानी पिलाएं। तो देखा आपने कि कैसे आपको पशु के आहार, आवास का प्रबंधन करना है। और आइए अब बात करते हैं आज का जो हमारा दूसरा विषय है, यानी शुकर पालन। इसके लिए हम डॉक्टर जय के पास चलते हैं। डॉक्टर जय, मुझे सुन पा रही हैं आप?
जी जी नमस्कार। तो डॉक्टर जया, जैसा कि आज का हमारा दूसरा विषय है शुक्र पालन, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे देश में पिंक रेवोल्यूशन को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं और शुक्र पालन का इसमें काफ़ी खास योगदान है। तो अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो शुक्र पालन के क्षेत्र में हम कहाँ हैं और ये हमारे पशुपालकों की आय के लिए कितना महत्वपूर्ण है। धन्यवाद, बिल्कुल सही कहा आपने। पिंक रिवॉल्यूशन के लिए जो शुक्र पालन का जो होता है हमारे देश में बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। अगर हम अपने देश में शुक्र पालन की स्थिति पे बताएं तो यह अभी उभरता हुआ एक की तरह आ रहा है और यह उद्यमीकरण कमर्शियलाइजेशन के लिए भी बहुत आगे आ रहा है। इसमें शुक्र पालन जो होते हैं इसकी कुछ खूबियां हैं, खूबियां जैसे अन्य पशुधन की तुलना में शुक्र जो होते हैं उनकी प्रोडक्शन साइकिल बहुत कम, एक साल में जो एक मादा शुक्र होती है वह 2 बार बच्चे देती है और एक बार में वह कम से कम 10 से 14 बच्चे को दे सकती है। इस प्रकार से एक साल में 20 से 24 बच्चे तक आपको सेल के लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा क्या है, यह 8 से 9 मंथ में परिपक्व हो जाती है, ग्रोथ रेट बहुत हाई है, तो मार्केट भी आपको 1 साल के अंदर बेच पाता है। इसको आप बेचते हैं जब स्लॉटर के लिए जाते हैं तो फिर आपको काफी हाई रिटर्न मिलते हैं। इसके अलावा जो होता है शुगर पालन में होता है पोर्क बेस्ड जो मीट प्रोसेसिंग होता है, फार्मिंग इंडस्ट्री होता है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स होते हैं। जी बिल्कुल, अभी आपकी आवाज़ नहीं आ रही डॉक्टर जया हमारे पास, लेकिन आगे आपसे बातचीत करें कॉल्स हम ले और उससे पहले एक आप रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें मोटे तौर पर आपको बताएंगे कि कैसे आप शुगर पालन को अपना सकते हैं। शुगर को मांस के लिए पाला जाता है। शुगर पालने का फायदा ये है कि एक तो ये एक ही बार में 5 से 14 बच्चे देने की क्षमता रखता है, इनसे मांस भी ज्यादा मिलता है। दूसरा, शुगर में दूसरे पशुओं के मुकाबले साधारण आहार को मांस में बदलने की काफी ज्यादा क्षमता होती है, जिस कारण रोजगार की दृष्टि से शुगर पालन फायदेमंद साबित होता है। इसके मांस में प्रोटीन होने की वजह से इसके मांस की मांग भी बाजार में ज्यादा रहती है। शुगर पालन कोई भी कर सकता है, बस आपको कुछ जरूरी बातों का पता होना चाहिए। शुगर पालन के लिए घर बनाते समय सर्दी गर्मी बरसात नमी और सूखे से बचाव का ध्यान रखना जरूरी है। शुकरों के घर के साथ ही बाड़े भी बनाने चाहिए जिससे शुकर बाड़े में घूम फिर सकें। बाड़े में कुछ छायादार पेड़ होने चाहिए जिससे ज्यादा गर्मी के मौसम में शुकर पेड़ों की छाया में आराम कर सकें। शुकरों के घर की छत ढलवा होनी चाहिए और घर में रोशनी व पानी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इनके रहने की जगह पर साफ सफाई का खास ध्यान रखें। शुकरों को रोगों से बचाना भी जरूरी है। थोड़ी सी सावधानी बरतने पर भी शुकरों को रोगों से बचाया जा सकता है, जैसे जिन बर्तनों में शुकरों को खाना दें उनकी रोज सफाई करें। शुकरों में कई रोग लगते हैं जैसे परजीवी रोग, बाह्य परजीवी जैसे जू किलनी और चीचड़ी खून पीते हैं, साथ ही रोगों के विषाणु भी शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इनसे बचाव के लिए साफ सफाई रखें। इनका ज्यादा प्रकोप होने पर पशु चिकित्सक को दिखाएं। कुल मिलाकर अगर सही तरीके से शुकर पालन किया जाए तो 6 से 8 महीनों में ही अच्छी आमदनी होनी शुरू हो जाती है। तो शुक्र पालन पर अभी आपने रिपोर्ट देखी। अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमें ज़रूर कॉल करें। ये पूरा 1 घंटा आपके लिए है। हमारा मकसद यही है कि आपकी समस्याओं का लाइव समाधान हम दे सकें। डॉक्टर जया जो कि हमारे साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं, वो हमें मदद करेंगी शुक्र पालन के बारे में जानकारी और प्राप्त करने में और आपकी समस्याओं के समाधान में। और डॉक्टर पाठक हमारे साथ स्टूडियो में हैं जो कि दुधारू पशुओं पर हमें और विस्तृत जानकारी देंगे। तो सर, एक बार फिर से हम आते हैं दुधारू पशुओं पर। शुरुआत जैसे एक ट्रांजिशन फेज चल रहा है तो हम शुरुआत यहीं करते, मेरे ख्याल सबसे पहले हम पशु के आहार पर ही बात कर लेते हैं कि आहार कैसे रहना चाहिए, कि अभी क्या हरा चारा देना चाहिए उन्हें या फिर उसको कम कर देना चाहिए, किस तरह का चारा होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए पशुपालन में जो 70% जो खर्चा आता है वो चारे पर ही आता है, आहार पर आता है,
यानी इसका मतलब यह है कि जो मेन खर्चा है या जो मेन चीज़ है कि हमें पशुपालन हमारे को फ़ायदेमंद हो, तो हमें पहले यह ध्यान रखना है कि जो हम चारा दे रहे हैं या जो आहार दे रहे हैं अपने पशु को, वो पोषक होना चाहिए। साथ ही साथ वो जलवायु जैसी है उस समय या जो भी आपका मौसम है, मौसम के हिसाब से होना चाहिए। अभी जैसा मैंने पहले अपने पशुपालक भाइयों को बताया, क्योंकि गर्मी है, गर्मी में क्या होता है कि हरे चारे की उपलब्धता कम हो जाती है। हर क्षेत्र में नहीं, जहां नहरी क्षेत्र हैं, जहां पानी ज़्यादा होता है, वहां पर बहुत सारे पशुपालक, बहुत सारे किसान भाई हरे चारे का उत्पादन करते हैं। और क्योंकि दुग्ध उत्पादन के लिए हरा चारा अति आवश्यक है, हम तो ये कहते हैं कि पूरे वर्ष जो है, जो जो दुधारू पशु हैं उनको हरा चारा पूरे साल देना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अभी जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, अभी जहां बरसात नहीं हुई है, वहां पर आपको अपने पशु का आहार के ऊपर विशेष ध्यान रखना है। आपको उसको हरा चारा ज़रूर देना है। अगर हरा चारा नहीं देंगे तो निश्चित रूप से पशु को परेशानी होती है और उनका स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा और उनका दूध उत्पादन भी कम हो सकता है। तो बाज़ार में भी आजकल तो अब तो अच्छी बात यह हो गई है कि बहुत सारे किसान भाई हमारे जो है, जो भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, उन परियोजनाओं के तहत फ़ायदा उठाते हुए ये किसान भाई चारे का उत्पादन करने लग गए हैं। पहले जो है मार्केट में आपको चारा नहीं मिला करता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जब से सरकार ने दूध उत्पादन पर जो नई नई परियोजनाएं शुरू करी हैं, उनके साथ साथ चारा उत्पादन, नए नए चारे की किस्में आई हैं, तो तब से जो किसान भाई हैं या पशुपालक हैं, वो चारा उत्पादन करने लग गए हैं। तो आपने उम्मीद है कि जो मई और जून जो ऐसे अभी चल रहा है, आपने मई में मक्के की फसल ज़रूर बोई होगी चारे के लिए। तो एक तो पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि आपको उनके चारे में हरा चारा ज़रूर देना है। जी जी, ज़्यादा सूखा चारा कम देंगे, हरा चारा ज़्यादा देंगे। जी जी, साथ ही साथ आपको देना है कि क्योंकि गर्मी में जो है, अभी जैसा हमारे पशुपालक भाइयों ने फिल्म भी देखी, उसमें बताया गया था कि गर्मी में जो है पानी जो है कम हो जाता है शरीर में, तो आपको जो है पानी की मात्रा बढ़ानी पड़ती है। साथ ही साथ जो हमारे लवण हैं वो भी शरीर में, पशु के शरीर में कम हो जाते हैं। तो हम ये सलाह देते हैं किसान भाइयों को, पशुपालक भाइयों को, जो दूध उत्पादन वाले पशु हैं, गाय और भैंस हैं, तो उनमें गर्मियों के, यानी इस समय जो मौसम चल रहा है, चाहे किसी प्रदेश की बात करें, मैं चाहे हरियाणा की बात करूं, चाहे राजस्थान की बात करूं, चाहे मैं तमिलनाडु की बात करूं, हर जगह थोड़ा सा नमक और आटा मिला के पानी में मिलाकर उसको ज़रूर दें, ताकि वो जो लवण की जो कमी होती है वो पशु के अंदर, पशु के शरीर में नहीं होगी और उसका जो दूध उत्पादन है वो नहीं घटेगा। साथ ही साथ चारे के साथ साथ हम पानी की भी बात करते हैं, क्योंकि गर्मी में हम वो हमारा भी, मनुष्यों का भी पानी पीने की क्षमता बढ़ जाती है, आवश्यकता बढ़ जाती है। ऐसे ही पशु को आपको एक तो साफ पानी पिलाना है, नदी नाले जहाँ पानी गंदा है वहाँ पर पशु को चरने के लिए बिल्कुल न ले जाएं। जी जी जी। और क्योंकि गर्मी और होगी वहाँ पर, तो आपको ध्यान रखना है और पानी और वैसे भी है। सर कहते हैं कि चाहे इंसान हो या पशु हो, जो गर्मी के घंटे हैं, मतलब 12 से 3 4 बजे का जो समय है, आप बेहतर ही है कि शेड में ही रहें और पानी साफ सुथरा स्वच्छ पिलाएं, जैसा कि डॉक्टर पाठक का कहना है। एक कॉलर है, हम उनका सवाल लेते हैं, नीलेश मिश्रा हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश में फोन किया। नीलेश जी नमस्ते, मेरा नाम नीलेश मिश्रा है, मैं नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूं। जी, बताइए। हमारे पास साहिबाल नस्ल की 5 गाय है, तो उनमें हम खुरपका और मुंह पका का टीकाकरण करवाना चाहते हैं, तो उपयुक्त समय कौन सा रहता है खुरपका यानी कि FMD के वैक्सीनेशन के लिए? और दूसरी सवाल ये भी है सर कि हम साइलेंट हीट की समस्या भी कुछ गायों में देखने को मिल रही है, तो साइलेंट हीट को कैसे पहचाने हम? साइलेंट का क्या दूसरा सवाल था आपका? साइलेंट हीट, साइलेंट हीट, अच्छा ठीक है, दोनों अच्छे सवाल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक है, ठीक है, खुरपका मुंह पका, नीरज जी बहुत अच्छी बात है और आप जो है आपने बिल्कुल सही बात करी है और ये बिल्कुल सही मौसम है। खुरपका मुंह पका हमारे जो ये जो पशु हैं उनकी एक मुख्य बीमारी है, जिनकी वजह से पशु बहुत प्रभावित होते हैं, दूध उत्पादन भी घट जाता है, पशु का स्वास्थ्य भी खराब होता है। तो ये सही समय है, अगर आपने अपने पशुओं का वैक्सीनेशन या टीकाकरण खुरपका मुंहपका के साथ साथ एक HS बीमारी है, हेमरेजिक सेप्टिसीमिया और BQ, ये तीन बीमारियों की वैक्सीनेशन का इस समय सही समय है। बरसात से पहले, जहां बरसात अभी नहीं हुई है या बरसात शुरुआत भी हो गई है,
तभी भी मैं आपसे सलाह दूंगा कि आप अपने नज़दीक के पशु चिकित्सालय में अपने पशु को ले जाएं, या कहीं पशुपालन विभाग जो राज्य के हैं वो बीच बीच में कैंप लगाते हैं वहाँ पर ले जाएं। साथ ही साथ नीरज जी, आपके साथ साथ मैं और भी अपने पशुपालक को बताना चाहता हूँ कि इन वैक्सीन्स का कोई पैसा नहीं लगता है। भारत सरकार ने एक परियोजना अगर सरकारी जगह से लगवाएंगे, हाँ अगर आप पहले तो वो तो है ही, सरकारी अगर अस्पताल में आप जाओगे, और मैं तो कहता हूँ आप सरकारी अस्पताल में ही जाएं, वहीं जाएं आप। एक तो हो गया आपका पहला प्रश्न कि मुझे टीकाकरण कराना चाहिए और तुरंत कराना चाहिए, और आसपास भी आप जिस जहां गांव में रहते हैं वहां भी बताइए लोगों को कि भाई इस समय टीकाकरण का सही मौसम है। दूसरा, आपने कहा कि साइलेंट हीट का डिटेक्शन कैसे करें, ये एक बड़ी समस्या है। खासकर समझाएं भी ये साइलेंट हीट होता क्या है, मतलब पशुओं में जो साइलेंट हीट की वजह से। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, साइलेंट हीट का मतलब होता है कि देखिए हर महीने पशु जो है हीट में आता है, यानी वो एक प्रजनन की साइकिल है, एक चक्र है वो। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारी गाय या भैंसें जो है वो इस तरह का व्यवहार करती हैं, जिससे पशुपालक भाई हमारे पता चल जाता है उनको कि ये गाय जो है हीट में है, या गाय जो या भैंस हमारी हीट में है। लेकिन भैंसों में इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन गायों में नहीं पता चलता है। तो उसके लिए एक तो ये है कि आपको जो उसका व्यवहार है वो तो देखना ही पड़ेगा, उसको भी आप करें, और साथ ही साथ जो है अगर उसकी उम्र हो गई है, पूरा उम्र है, मैच्योर हो चुकी है, और ब्याने के 4-5 महीने भी हो चुके हैं, तो आप बीच बीच में उसका चेकअप भी कराते रहिए। कभी कभी क्या होता है, खासकर जो यंग जो बच्चियां जब माँ बनती हैं उसके बाद वो उनका दिक्कत होती है उनके अंदर, तो उनका भी आप जो है चेकअप कराइए, ताकि उनका जो जननांग है उनमें भी कभी कभी कमी हो जाती है। जी जी, तो ठीक है। चलिए, तो ये तो बात हुई हमारे दर्शक नीलेश जिन्होंने मध्य प्रदेश से सवाल हमें भेजा था, बहुत अच्छे सवाल थे। और दर्शकों से हम ये कहेंगे कि आप अपने प्रश्नों के साथ तैयार रहे, आपका ये कार्यक्रम है तो इसलिए हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें कॉल करेंगे, अपने सवाल हम तक पहुँचाएंगे। होगी आपसे मुलाकात इस छोटे से ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है? हाँ, क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है, और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो, आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं हेलो किसान। अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे कार्यक्रम को अभी आपने देखना शुरू किया है, तो आपके लिए हम कार्यक्रम के जो विषय हैं फिर से दोहरा देते हैं। आज हम बात करें दुधारू पशुओं का इस मौसम में कैसे प्रबंधन करें, और साथ ही कैसे हमारे पशुपालक शुगर पालन को भी अपना सकते हैं, इससे कैसे अधिक लाभ अर्जित किया जा सकता है। एक कॉलर है विपिन है, जिन्होंने सागर से हमें कॉल किया है, मध्य प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर। विपिन जी स्वागत है हेलो किसान में, बताइए क्या प्रश्न है। जी नमस्ते मैम। नमस्कार विपिन जी। जी मैम, मेरे दो सवाल है। पहला सवाल ये था मैम कि प्राकृतिक गर्भाधान करवाया था हमने जनवरी में, भैंस का, तो दूध अभी भी भैंस दे रही है, तो कब तक दूध लेना चाहिए या फिर बंद कर देना चाहिए, कितने महीने तक? ठीक है, 5 से 6 महीने होने वाले हैं। और दूसरा सवाल मैम ये था कि देखा जाता है कि कुछ किसान भाई ऐसा करते हैं कि जो पशु रहते हैं जो दूध नहीं देते हैं, तो गर्मियों में उन्हें हरा चारा नहीं दिया जाता है क्योंकि हरा चारे की कमी होती है, तो इससे भी क्या कोई नुकसान हो सकता है, क्योंकि उन्हें सूखा भूसा ही देते हैं गर्मियों में? ठीक है, तो पहला एक तो सर नेचुरल जो उन्होंने बताया। देखिए विपिन जी, आपने पिछले महीने कराया है तो 1-1.5 महीना और आप दूध ले सकते हैं। पहली बात, जब बच्चा पेट में आ जाता है उसके 1-2 महीने बाद हमें दूध जो है हम सलाह कम देते हैं दूध निकालने की, तो एक तो ये हुआ। दूसरी बात, अभी आपने अगर वो कन्फर्म करा लिया है कि वो प्रेगनेंसी हो गई है कि नहीं हो गई है, ये भी दिखवा लीजिए। आपने कहा कि मैंने जो है कृत्रिम गर्भाधान कराया है या प्राकृतिक रूप से कराया है, बुल से कराया है, जो भी है,
तो वो चेक करा लीजिए। दूसरी आपने जो बात बड़ी बहुत महत्वपूर्ण बात करी है, बहुत सारे पशुपालक भाई हमारे विशेषकर जो पशु प्रजनन में नहीं रहता है या किसी तरह से कुछ पशुओं में बांझपन की समस्या आ जाती है, तो उनको हम चारा नहीं देते, खासकर हरा चारा नहीं देते। जी, जी। हमने देखा है कि जो बांझपन होता है पशुओं में या हीट डिटेक्शन की जो अभी एक बात हो रही थी हीट में आने की और दुग्ध उत्पादन कम देने की, इन सब की मूल जड़ जो है हरा चारा है। कि अगर हम हरा चारा थोड़ा अपने पशुओं को देते रहेंगे तो हो सकता है जिस पशु को आप ये सोच रहे हो कि ये पशु मेरे लिए बेकार है, वो पशु अगले बार अगली साइकिल में वो फिर प्रजनन योग्य हो जाए। तो मैं सभी पशुपालक भाइयों को सलाह दूंगा कि आप लोग जो है पशुओं को हरा चारा जरूर दीजिए और विशेष रूप से ये मौसम में हरे चारे में किस तरह के पोषक तत्व होते हैं वो भी मैं आपसे जानूंगी। क्यों इसे आप कह रहे हैं कि महत्वपूर्ण है देना, इसे जरूर पशुओं को दे, उससे पहले एक कॉलर है नंद स्वरूप जी हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से हमें कॉल किया है। नंद स्वरूप जी स्वागत है आपका हेलो किसान में। हाँ जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप बाराबंकी से। जी जी, मैं जानना चाहता हूँ कि सुगर पालन करने के लिए हमें आबादी से कितनी दूर और उनके लिए कौन सी छाया की व्यवस्था रखनी चाहिए, हमें पानी की किस प्रकार की व्यवस्था रखनी चाहिए जिससे सुगर जो है अच्छी हो, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है आपका। डॉक्टर जया मुझे सुन पा रही हैं आप? जी हाँ बिल्कुल, आपने नंद स्वरूप जी का प्रश्न सुना जया जी, अभी मैं दोहराऊं? हाँ जी, हाँ जी मैंने सुन लिया। जी जी बताइए। आपको शुक्र पालन कर लिए, सबसे पहले वह स्थान चुनना है जो कि मार्केट से भी एक अप्रोचेबल रोड हो और आबादी से कम 15 मीटर दूर रखनी चाहिए और रोड से कम 50 मीटर की दूरी पर रहनी चाहिए। जैसे अगर कोई आग का फर्नेस या कुछ ईंट की भट्टी है तो वहां से 30 मीटर की दूरी पर रहनी चाहिए, तो ये दूरी आपको बनाना है। अगर कोई पोल्ट्री शेड है या फिर कोई डेयरी का फार्म है उससे 45-40 मीटर की दूरी आपको बनानी है। एक तो ये दूरी की हो गई, दूसरी ये हो गई आप वैसी जगह पे चुनना जहाँ की पानी का उत्तम व्यवस्था हो, उसके अलावा वहाँ पे बिजली का भी कनेक्शन होना चाहिए, एक अच्छा अप्रोचेबल रोड रहे ताकि आप जो शुक्रों का मार्केट होता है वो आराम से पहुंच सके। इसके अलावा आप नजदीक में जो पिगलेट आप वहाँ से खरीदेंगे उसकी कोई सपोर्ट होनी चाहिए, जो वेटनरी की क्लिनिक होती है वेटनरी की क्लिनिक आपसे उससे नजदीक है शुक्र से, तो यह सारा चीज आप एक आइडेंटिफाई कर लीजिए कौन सा जगह सही रहेगा उसके लिए और आप उस हिसाब से शुक्र पालन वहाँ पे स्थापित कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, तो ये तो बात हुई शुगर पालन से जुड़ा हुआ हमारे दर्शक जो जिनका प्रश्न था ये। मैम अब मैं यहाँ जैसे तो कुछ बेसिक बातें जो आपने बता दी अभी उनके सवाल के जवाब में, अब मैं जो इस पूरे शुगर पालन से जुड़े हुए व्यवसाय या फिर व्यवसायिक स्तर पर जो किसान ले जाना चाहते हैं उनकी बात करूँ, तो अगर कोई नया व्यक्ति है जो पहली बार शुगर पालन कर रहा है उसे किन किन बातों का ध्यान रखते हुए यानी उसकी चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए जब इसकी वो शुरुआत करें? जो कोई नया व्यक्ति है वो कमर्शियल स्केल पर शुगर पालन करना चाहता है सबसे पहले वो एक प्रशिक्षण ले ले, एक ट्रेनिंग शुगर पालन की आप ले ले। यह आप हमारे राष्ट्रीय स्तर पर एक नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो कि रानी गुवाहाटी में है, इसके अलावा जो है कृषि विज्ञान केंद्र हर राज्य में है, जो हर राज्य के जो वेटनरी कॉलेजेस होते हैं वहाँ भी शुगर पालन में ट्रेनिंग दी जाती है। आप अगर ट्रेनिंग लेते हैं तो आपको शुगर पालन का पूरा जो मैनेजमेंट होता है फीडिंग, उसका कैसे क्या खिलाना है, किस समय पे खिलाना है, फीड का क्या कंपाउंडिंग होना चाहिए, उसके स्वास्थ्य को कैसे मैनेज करना है, उसका हाउसिंग कैसे मैनेज करना है, जो रूटीन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती है आपको उसका एक्सपोजर दिलाया जाएगा। इसके अलावा आपको उसमें जो एडवांस तकनीक है जो साइंटिफिकली आपको कैसे अपनाना है आपको सारी चीजों पर प्रशिक्षण दिया जाता है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कराया जाता है, तो इस वजह से क्या होती है आपकी एक बेसिक जो नॉलेज होती है वो बन जाती है शुगर पालन, एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि हम शुगर पालन कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि आपको अपना ये कैपिटल देखना आपके पास कितना इन्वेस्ट आप कर सकते हैं, आप नया है कितना इन्वेस्टमेंट है, कितनी जमीन है आपके पास, तो उस तरीके से आपका चेकलिस्ट होना चाहिए कि हम शुगर पालन स्टार्ट करेंगे। और फिर आपको ये चूज करना है आप ब्रीडिंग के लिए करना चाहते हैं कि आपको सिर्फ पिगलेट प्रोड्यूस करना है या फिर आप फिनिशिंग के लिए करना चाहते हैं, जैसे कि आप सिर्फ पिगलेट को खरीदेंगे उसको मेच्योर वेट तक ग्रो करेंगे फिर उसको मार्केट कर देंगे मीट के लिए,
या फिर आप उसका मीट का प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, वैल्यूडेशन करना चाहते हैं, तो दो तीन तरीके हैं जिसको आप चूज कर सकते हैं किस तरह के, या फिर आप दो तीनों कम्बिनेशन करना चाहते हैं। ये सारे तरह के जो अपॉर्चुनिटीज हैं इसको आपको चेकलिस्ट करना है शुगर पालन में व्यवसाय के तरह अपनाने के लिए। जी जी, तो धीरे धीरे। जी मैम, एक कॉलर है अनारकली जिन्होंने हमें हरियाणा जींद से कॉल किया है, आइए उनका हम सवाल लेते हैं। जी जी अनारकली जी, स्वागत है। हाँ जी जी, नमस्कार, बताइए क्या विषय है आपका? एक बार फिर से बताएं सवाल आपका। मैं सर जी पहला ब्याह गया हुआ कि इसके 15 एक दिन ब्याह के रह रहे हैं जी। पहले ब्याह के बाद क्या हुआ है सर? हुआ मैं ब्याह हुआ कि वह सर हुआ टाइम होगा, पहला टाइम है ब्याह का, 3 साल की हुई है। ठीक है, कमजोर है जी दादा, उसने के डाला। ठीक है ठीक है ठीक है, पहला ब्याह है, कमजोर है इनका पशु। अच्छा, ये गाय के बारे में पूछ रहे हैं, भैंस के बारे में? भैंस होगी, हरियाणा की है तो भैंस होगी। 3 साल बता रहे हैं। हाँ चलिए कोई बात नहीं, वैसे तो हरियाणा में भैंस पालन हमारा प्रमुख व्यवसाय है दुधारू पशुओं के लिए, दोनों के लिए बता देते हैं, चाहे गाय है चाहे भैंस है। अनारकली जी, आपको मैं जो अभी बता रहा था वही चीज़ है कि आप थोड़ा सा उसके खान पान पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। खान पान का मतलब यह है कि अभी क्योंकि हरियाणा में भी गर्मी चरम सीमा पर है, इस समय एक तो आपको उसको पानी अच्छी तरह पिलाना है, ज़्यादा पिलाना है। अगर भैंस है तो दिन में 4 बार निलाइए, गाय है तो दिन में 3 बार निलाइए, साथ ही साथ पौष्टिक चारा दीजिए। पौष्टिक चारे की जो बात अभी अंजू जी आप भी कर रही थी, मैं यही बता देता हूँ। देखिए ऐसा होता है कि हमें चाहे हमारा शरीर हो चाहे पशु का शरीर हो, उसको कई चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, वसा की ज़रूरत पड़ती है, मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है, फैट की ज़रूरत पड़ती है, तो ये सब चीज़ों की जो रिक्वायरमेंट है शरीर की, तो क्योंकि दूध देने के लिए उसको और एक्स्ट्रा हमें खाना देना पड़ता है, चारा देना पड़ता है जिसमें मिनरल्स भी हों, तो आपको उनको देना चाहिए। साथ ही साथ और ज़्यादा कमज़ोर है तो मैं आपको और सलाह दूंगा कि आप मिनरल मिक्सचर अगर नहीं दे रही हैं तो मिनरल मिक्सचर ज़रूर दीजिए। मिनरल मिक्सचर से हमने देखा है कि मिनरल मिक्सचर जब गाय या भैंस जो दूध देने वाली होती है अगर हम उसको लगातार देते हैं तो 10% दूध उत्पादन बढ़ जाता है। तो अगर आपने मिनरल मिक्सचर नहीं दिया है बाजार में अपने क्षेत्र का, और इसमें भी जो है मिनरल मिक्सचर जो है उसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्र का, उस विशेष क्षेत्र का, आप जींद की रहने वाली हैं तो जींद में के जो अगर आप मेडिकल स्टोर पर वेटनरी के मेडिकल स्टोर पर जाएंगी तो उससे बात करेंगी तो वहाँ का वो मिनरल मिक्सचर देगा। फिर भी अगर फिर भी कोई कमजोरी है, कुछ दिक्कत है पशु में, तो आप जींद का जो वेटनरी हॉस्पिटल है वहाँ अपने पशु को जरूर दिखाइए। अच्छा सर, जो पहला बयान जैसे बता रहे थे हमारे दर्शक, तो मैं ये भी साथ में आपसे जानना चाहूँगी, अभी ब्रेक हमें लेना होगा, ब्रेक के बाद इस पर डिस्कस करेंगे कि जब पहला बयान होता है तो क्या कुछ ज़्यादा और सावधानी या फिर कुछ खास बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है पशुपालकों को। फिलहाल आप अपने प्रश्नों के साथ तैयार हैं, हम शुगर पालन पर बात करें और साथ ही आपको जानकारी दे रहे हैं कि अब दुधारू पशुओं का प्रबंधन किस तरीके से करें, कैसे करें उनका रख रखाव, होगी आपसे बात इस छोटे से ब्रेक के बाद। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं हेलो किसान, आज हम बात कर रहे हैं कैसे आप दुधारू पशुओं का रख रखाव करें, प्रबंधन किस प्रकार का, और साथ ही शुगर पालन पर भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें, ईमेल करें या फिर हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सर जैसा कि एक हमारे दर्शक का सवाल था कि उनकी गाय या भैंस जो भी थी वो पहला ब्याह था यानी फर्स्ट टाइम जिसे हम कहें प्रेगनेंसी थी पशु की, तो क्या उस वक्त कुछ खास बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है? अच्छा उन्होंने ये भी साथ में बताया, माफ कीजिएगा रोका मैंने आपको बीच में, कि 3 साल में पहले उनकी पशु की। 2.5-3 साल में पशु को जो है वो ज्ञावन हो जाना चाहिए। देखिए ऐसा होता है कि विशेष रूप से गायों में देखा गया है कि गाय जो है उसके स्वभाव से थोड़ा सा इस तरह से होता है कि वो आप दूध जब निकालने जाएंगे पहले बार जब ब्याएगी वो पहले दूध की क्योंकि आदत में नहीं होता है, दूसरे ब्यात में पशु को आदत पड़ जाती है, तो एक तो ये है। साथ ही साथ क्योंकि एक अलग सी उसके जीवन में घटना घटी है कि उसने बच्चा दिया है उसको दूध देना है, तो आपको उसका एक तो जब समय
अगर आपका गाय या भैंस जो है ग्यावन हो गई है, तो ग्यावन वाली स्टेज में आपको उसको चारे का विशेष ध्यान देना है, और साथ ही साथ जो हम उसकी मिनरल मिक्सचर की बात करते हैं, कंसंट्रेट की बात करते हैं, वो ज़रूर दीजिए। अभी जो एक जो दर्शक थी हमारी अनारकली जी, वो पूछ रही थी, तो हो सकता है कंसंट्रेट उन्होंने जब वो नहीं दे रही हो तो कंसंट्रेट ज़रूर दीजिए। साथ ही साथ हरे चारे की मैं बात करता हूँ, तो पहले ब्यांत में थोड़ा सा पशु का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ जो बच्चे को जब तक आप दूध नहीं पिलाएंगे, तब कभी कभी मिल्क का लेट डाउन, कभी कभी पशुपालक ये कहते हैं कि पशु को हम खड़ा करते हैं शाम को या सुबह दूध निकालने के लिए, लेकिन उसके एन में या थन में दूध नहीं आ रहा है, तो इसको मिल्क लेट डाउन कहते हैं। तो मिल्क लेट डाउन का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उसका जो बच्चा है या उसकी जो बछिया है, बछड़ी है, उसको नज़दीक लाइए, उसको उसका दूध पिलाइए, कोशिश करिए अपने तरफ से, कोशिश करिए थन पकड़ के उसके मुंह में, बच्चे के मुंह में रख के, ताकि उसको आदत पड़े, और बच्चा जो है तो जब माँ के पास जाएगा, भैंस के पास उसके जाएगा, तो मिल्क का लेट डाउन होगा। तो इस तरह की कुछ सावधानियाँ अगर आप रखेंगे तो निश्चित रूप से जो है ये समस्याएँ आपको नहीं आएंगी। कंसनट्रेट, हरा चारा और पानी, ये तीनों चीज़, जैसे मैंने कहा था कि 70% जो खर्चा आता है पशुपालन का, वो उसके आहार पर आता है। अगर हम आहार अच्छा रखेंगे तो पशु हमारा स्वस्थ रहेगा। साथ ही साथ क्योंकि आज हम दूध की बात कर रहे हैं, तो दूध उत्पादन भी जो है हमारा अच्छा मिलेगा और दूध गिरेगा नहीं। दूध गिरने का मतलब होता है कि अचानक जो है पता चला कि पशु को लू लग गई, लू भी नहीं लगी, तो आपने दिन में पशु को कहीं पेड़ के नीचे बांध दिया, वहाँ धूप थी, या जो आपका आवास था आवास में बांध दिया उसको, और वहाँ गर्म हवा जा रही थी, तो पशु का जो बॉडी का टेम्परेचर है, जब अभी आपने फिल्म में देखा कि जो शरीर का तापमान होता है वो प्रभावित हो जाता है, उसको मेंटेन करने के लिए आपको उसको, जैसे हम अपने को अच्छा रखते हैं, आपने अगर आपके पास जो संकर नस्ल के पशु हैं, विशेष रूप से गाय की बात करूं, तो आपको वहाँ पर वो जो कूलर भी लगाने पड़ेंगे, वहाँ पर आपको पंखे भी लगाने चाहिए, तो ये सब देखना पड़ेगा। ठीक है, एक कॉलर है जिन्होंने कर्नाटक से हमें कॉल किया है, भीमराव जाधव जी हैं फोन लाइन पर। जी जाधव साहब, बताइए क्या सवाल है। हेलो जी, नमस्कार। हाँ नमस्ते जी, बताइए सवाल बताएं। अभी हमारा गाय है ना, वो गाय अभी समझो आज हमने उसको है ना प्रेगनेंसी के लिए हम भराया, ठीक है, तो उसके लिए अभी हम लोग है ना क्या करते हैं, अभी भरा तो है ना ज्ञापन नहीं पकड़ता करके हम लोग चंदी 15 दिन चंदी नहीं देता है, और हरा चारा भी 15 दिन नहीं देता है, तो वो सही है क्या गलत है सर? जाधव जी आप ये पूछ रहे हैं कि हरा चारा और चंदी चुन्नी जो देता है ना? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल ठीक दे रहे हैं, देना चाहिए। नहीं नहीं, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, सही कह रहे हैं आप, सही कर रहे हैं। कोई अभी हमारे उधर क्या बोलते हैं यार, वो क्या पलटी होता है ना, अभी गबन नहीं करता है, अभी हम लोग भरा नहीं नहीं, तो नहीं। वो चुन्नी और हरा चारा दरी से ना और पीरियड लेता है, 1 महीने के बाद और ये इसमें आता है, भरना पड़ता है। नहीं नहीं नहीं, हरा चारा और वो आपको देना चाहिए। आप पता नहीं किसने कैसे कहा है, वो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि पशु को, चाहे वो प्रेग्नेंट है या प्रेगनेंसी के कराने, उसको आप AI कराने जा रहे हैं या प्राकृतिक रूप से कराने जा रहे हैं, तो हरा चारा तो ज़रूर देना चाहिए। जी जी बिल्कुल। और सर जैसे इन्होंने बोला, जैसे इन्होंने ये कह रहे चुन्नी कह रहे कहीं पर सूखा जो मिलाते हैं, हाँ, तो ये भी किस किस तरह का? ये देखिए ऐसा है कि गर्मियों में हम ये कहते हैं कि 1/3 जो है ना इस समय सूखा देना चाहिए और 2/3 जो है हरा देना चाहिए, उल्टा कुछ लोग बता देते हैं तो पशु खाएगा नहीं उसको, तो इसलिए आपको मिला के देना है। ठीक है ठीक है, तो बिल्कुल आप अपने प्रश्न और जो भी सवाल हो ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। हमारे साथ डॉक्टर पाठक स्टूडियो में हैं और डॉक्टर जय हमारे साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं, और इसी के साथ ही डॉक्टर जय मैं आपके पास आना चाहती हूँ, और जैसा कि हम शुगर पालन की बात कर रहे हैं, हमने आहार की बात की और हमारे दर्शक भी लगातार सवाल पूछ रहे हैं कुछ ना कुछ। अब हम आते हैं आवास पर, तो एक तो ये कि आवास से जुड़ा एक सवाल भी था जिन्होंने पूछा कि कहाँ होना चाहिए, आबादी से कितनी दूर, लेकिन अगर एक जैसे एक नया प्रोजेक्ट के तौर पर हम शुरू कर रहे हैं तो किस तरह के आवास की संरचना होनी चाहिए, क्या उसका आकार होना चाहिए, पर अगर हम 10 शुकर रख रहे हैं तो उसके अनुसार कितनी जगह होनी चाहिए? हाँ जी, यह जो आवास है ये हमारे सबसे पहले हमारे पास कितनी स्पेस की हमारे पास अवेलेबिलिटी कितनी हमारे पास में है,
उसके हिसाब से हेड करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि कितना यूनिट सुकर से आपने बताया 100 सुकर यूनिट का है, 10 जैसे 100 यूनिट है, 2000 यूनिट है, उसके मल्टी फिर 100 यूनिट का है। तो यह दो चीज पे होगा, हमारे पास कैपिटल कितने हैं। अगर आपके पास कम लागत में आपको आवास बनाना है तो फिर हम लोग जो BIS की जो मानक जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट है आवास को, एक ओपन एरिया देना होता है, क्लोज एरिया देना होता है, एक ये सिस्टम में आप बना सकते हैं। इसके अलावा आप कमर्शियल लेवल पे इंटेंसिव सिस्टम में भी शुक्रों को रख सकते हैं, जहाँ की आप ओपन एरिया को कम कर सकते हैं अगर आपके पास जगह की कमी है तो, और शुक्रों की संख्या ज्यादा रखना चाहते हैं। जैसे कि इन आवास में क्या होता है, बोर्ड के लिए, फिर पार्टनर के लिए, पैरोइंग के लिए, ग्रोअर के लिए, अलग अलग कैटेगरी ऑफ पिक्स के लिए अलग अलग आपको आवास चाय का व्यवस्था करना होता है। इसके अलावा आपको जो होता है क्वारंटाइन शेड होता है, जैसे कि आप तो शुगर बीमार पड़ गए या बाहर से खरीद के ला रहे हैं, उनके लिए आपको फिर अलग से एक आवास देना होता है, क्वारंटाइन शेड होता है। वैसे ये पैरोइंग के लिए, जब शुगर मादा शुगर जब फैरोइंग बच्चे देने वाली होती है तो उसके 10 दिन 7 डेज पहले तक हम लोग उसको दूसरे फैरोइंग शेड में शिफ्ट कर देते हैं, उसके लिए फिर एक फैरोइंग शेड अलग से देना होता है। फिर वैसे ही क्या होता है, हम लोगों को स्टोरेज जो फीड गोदाम होते हैं, जहाँ पे आप फीड को स्टोर करते हैं, वो एक एरिया। तो इस तरह से करके पूरा जो कमर्शियल सेटअप होता है शुगर पालन करने के लिए, उसके लिए आपको अलग अलग कैटेगरी ऑफ फीड, जो अलग अलग क्लास ऑफ फीड है, उसके हिसाब से आपको उसके शेड देने होते हैं। और उसका मानक जो होता है वह एक डिफाइंड है, उसमें आप मानक पर आप उसकी आवाज बना सकते हैं। जैसे मिनिमम हाइट जो होती है 2 से 2.5 फीट होनी चाहिए दीवारों की बिल्कुल। डॉक्टर जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, और दर्शकों से हम कहेंगे कि अगर आपके भी कुछ इससे भी जुड़े हुए कोई सवाल है या फिर आपको लगता है कुछ डाउट आपके भी क्लियर नहीं हुए तो आप ज़रूर कॉल करें हमें। हमारे साथ एक कॉलर है कुसुम है उत्तर प्रदेश से। कुसुम जी स्वागत है आपका हिंदुस्तान में, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो हेलो कुसुम जी, क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुँच पा रही है? हाँ, जी कुसुम जी, जी जी स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताइए क्या प्रश्न है, किस विषय के बारे में जानना चाहती हैं आप? मैं इस विषय के बारे में जानना चाह रही हूँ। मेरी दो भाई हैं, ठीक है, हर बार मैं आगे की करवाती हूँ, वो रुकती नहीं है, कोई बताता है सुंदर है, कोई सिद्ध बताता है, इस वजह से मुझे जानकारी देनी है कि डॉक्टर को दिखाना है किसको नहीं। तो दोनों गायों में ये समस्या आ रही है, सेम समस्या? हाँ, दोनों बार में नहीं, अभी दूसरी करा रही है, दो बार करा चुकी हूँ, अब पता नहीं रुकेगी कि नहीं रुकेगी। अभी एक पहली का है, पहलो जो बच्चिया है वो खिलाती है, अब मैं डॉक्टर को दिखाती हूँ, बोलते हैं सूजन है उसके अंदर, उसकी दवा कराओ। अब पता नहीं, अब मुझे जानकारी नहीं है, मेरे पति यहाँ पे रहते नहीं है, तो अब किसको बुलाऊं? ठीक है, बिल्कुल कुसुम जी, मैंने नंबर लिया है। हाँ हाँ ठीक, बहुत 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 अच्छा किया आपने, और ये कार्यक्रम हमारा रेगुलर कार्यक्रम है, आपकी जो भी समस्या आप हमें कॉल करते रहें और पूरा समाधान मिलेगा, कोई यहाँ पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है सर। और आप इन्हें ये भी बता दें कि कहाँ जाएं इसके लिए, उत्तर प्रदेश से। कुसुम जी आप कहाँ, उत्तर प्रदेश में कहाँ से हैं? कुसुम जी क्या मुझे सुन पा रही हैं? जुड़ी हुई हैं, अलीगढ़ से हैं। जी जी, देखिए बिल्कुल मथुरा के पास ही ये तो गायों में बड़ी रिपीट ब्रीडर, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, यानी बार बार वो उसको ग्यावन कराना पड़ता है, तो ये समस्या आती है इन गायों में। तो कभी कभी दो बातें रीजन उसके हो जाते हैं, कारण हो जाते हैं, एक तो उसके जननांगों में, जैसे अभी आपने एक शब्द यूज़ करा था कि सूजन आ गई है, तो कभी सूजन क्या है, उसके जननांगों में कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है, या पूरी तरह से यूट्रस डेवलप नहीं हुआ है। इसके अलावा कोई आप जो है चारा में भी उसमें जो है कंसेंट्रेट या मिनरल मिक्सचर नहीं दे रहे हैं, तो ये सब कारण के लिए मैं आपको सलाह दूंगा कुसुम जी कि आप अपनी दोनों गायों को नज़दीक का जो आपके पास में अलीगढ़, अगर प्रॉपर अलीगढ़ में रह रही हैं तो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का वेटनरी हॉस्पिटल है, आसपास नज़दीक हैं तो वहाँ वेटनरी हॉस्पिटल में डॉक्टर को आप ज़रूर चेक कराइए, इनका ढंग से चेकअप होगा। अगर मान लो कोई उनमें हार्मोन की कोई कमी है तो आजकल तो हम हार्मोन का इंजेक्शन से भी ठीक करते हैं, तो और इसके अलावा जो भी कमी होगी वो आपको बताई जाएगी, लेकिन आप इधर उधर मत भटकिए, उसको प्रॉपर जो है पशु चिकित्सालय जहाँ भी नज़दीक है, और पशु चिकित्सालय की जब बात कर रहा हूँ तो मैं राज्य सरकार के पशु चिकित्सालय की बात कर रहा हूँ, वहाँ ले जाइए, वहाँ पर कोई ऐसी वहाँ कोई फीस नहीं लगती है, जो भी इलाज होगा वो आपके पशु का या गाय का किया जाएगा। जी जी बिल्कुल। और अब एक सवाल शुगर पालन से जुड़ा हुआ है, डॉक्टर जय मैं आपके पास आती हूँ, हमारे दर्शक हैं ये, और श्याम सुंदर सिंह है हरियाणा से, ये कहते हैं शुगर को लू से बचाने के लिए क्या करें, शुगर हम जानते हैं कि थोड़ा हीट सेंसिटिव भी होते हैं ये। जी हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने, शुगर जो है ये हीट सेंसिटिव होते हैं,
और इसमें क्या होता है गर्मियों की असर बहुत जल्दी होती है, तो अगर आप बहुत ही इंटेंसिव रूप से ऐसे स्टॉकिंग डेंसिटी आपकी बहुत हाई है, एक बाड़ी के अंदर आपने बहुत सारे शुगर रख रखे हैं, तो वहाँ पे आप फॉगर और स्प्रिंकलर की व्यवस्था कर सकते हैं। अगर आपके पास में इतने कैपिटल पैसे नहीं है फॉगर स्प्रिंकलर को लगाने के लिए, तो फिर आप है ना जैसे जब चरम गर्मी होती है दोपहर के समय में, आप उनको पानी के पाइप से ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। एक तो ये सबसे सिंपल मैनेजमेंट है। दूसरा क्या है, आप उनको जब खाना देंगे तो जो दिन का जो ठंडा समय होता है, सुबह का समय और शाम का समय जो होता है, जब थोड़ी सी मौसम हमें ठंडक आ जाती है, उस टाइम में आप उनको खाना दें। और पानी का हमेशा दिन भर व्यवस्था रखें, पानी मतलब जब भी ऐसा हो शुगर जब भी पानी पीना चाहे आप उनको पानी की समुचित व्यवस्था दें। इसके अलावा आप होता है अगर शुगरों में किसी तरह से गर्मी का लक्षण देख रहे हैं, जैसे उनके मुंह से झाग वगैरह आ रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा ही उनका हाफन फील कर रहे हैं, जैसे बहुत तेज से सांस ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप जो होता है पशु चिकित्सक को संपर्क करें और उनको गर्मियों में आप प्रोबायोटिक्स और लवण जो होता है उनकी भी मात्रा आप देखें कि उनके खाना में उनको प्राप्त हो रहा है, ताकि वो भूमि को अच्छे से वो झेल सके। अगर खिड़कियां खुली हुई है डायरेक्ट सनरेज आ रहा है तो वहां पे आप एक चिक या कोई भी तरह से बूढ़े या कुछ लगा करके डायरेक्ट सूरज की जो धूप होती है उसको रोक सकते हैं शुगर के बारे में। जी, एक कॉलर है कैलाश प्रजापति जिन्होंने मध्य प्रदेश से हमें कॉल किया, इनका भी हम सवाल ले लेते हैं। कैलाश जी स्वागत है हेलो किसान में, बताइए प्रश्न अपना। जी मैडम, हमारा प्रश्न ये है कि बरसात के मौसम में पशुओं के रखरखाव कैसे करें ताकि दूध का उत्पादन भी अच्छा हो, उनको कुछ बीमारी वीमारी नहीं लगे। चलिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका और आज का तो पूरा विषय ही हमारा यही है। तो अगर आप हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं तो हम एक क्विक रिकैप कर देते हैं जो अभी तक हमने बातें बताई हैं। तो सर बिल्कुल प्रजापति जी, देखिए आज हम तब से यही बात कर रहे हैं कि बरसात में और गर्मी, क्योंकि अब गर्मी धीरे धीरे जाएगी और बरसात का मौसम आ रहा है। मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं बरसात के छींटे पड़ना शुरू हो गए हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि बरसात में आपका पशु बीमार नहीं हो, पहली बात है। उसके लिए क्या करें प्रजापति जी, सबसे पहले ज़रूरी है कि जहाँ उसका घर है, आवास है, उस आवास को साफ़ सुथरा रखिए, वहाँ गंदगी नहीं होनी चाहिए। गंदगी का मतलब है कि जहाँ पशु खड़ा होता है वहाँ उसका पेशाब या उसका गोबर इकट्ठा नहीं हो, क्योंकि वहाँ पर बरसात में पहले से ही गंदगी हो जाती है तो और गंदगी रहेगी। साथ ही साथ मैंने अभी आपको एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात, महत्वपूर्ण बात, पता नहीं आप जुड़े थे नहीं जुड़े थे उस समय, तो बताता हूँ कि अभी आपको अपने पशुओं का वैक्सीनेशन कराना है, टीकाकरण कराना है तीन बीमारियों के लिए। पहली बीमारी है खुरपका मुंहपका, जिसको हम FMD फुट एंड माउथ डिसीज कहते हैं, हिमोरेजिक सेप्टिसीमिया, गला घोंटू और ब्लैक क्वार्टर बोलते हैं। तीन बीमारियों का टीका जो है वो जो राज्य सरकारों के जो पशु चिकित्सालय हैं वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट लगता है, वहाँ ले जाइए, पशुओं का टीकाकरण कराइए। एक और इसी के साथ साथ जो इनके पेट में कीड़े होते हैं, क्योंकि हम पशुओं को चराने ले जाते हैं, बाहर ले जाते हैं, पशु जमीन से घास खाता है या चारा खाता है तो उसमें ज़्यादा संक्रमण हो जाता है, तो पशु को पेटे कीड़े अगर की दवा आप नहीं दी है प्रजापति जी, या और जो हमारे पशुपालक भाई जो हमको सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उनको उनसे अनुरोध है कि पशुओं को जो है उनके कीड़े हैं पेट के कीड़े हैं उनकी दवा जरूर पिलाएं। जी, जी। अपनी बात इसमें जरूर ये ध्यान रखें कि अपनी नहीं चलाने का मतलब है कि अपने हिसाब से न तय करें कि मुझे कौन सी दवा पिलानी है। बाजार में जब आप जाओगे, बहुत सारे दुकानदार हैं, अगर आप कहते हो कि मेरी गाय है या मेरी भेड़ है उसके पेट में कीड़े हो गए तो दवा दे दे, वो दवा दे देता है। मैं आपको निवेदन करूंगा कि ऐसा न करें, पशु चिकित्सक के पास जाएं और जो दवा, और क्योंकि इसमें हम दवा हर साल बदलते हैं, हर बार बदली जाती है। अच्छा, अच्छा। इस बार अगर हमने कोई पेट कीड़ों की दवा दी है तो अगली बार उस दवा को बदले आ जाएगा। ये कौन डिसाइड करेगा, ये कौन निर्णय लेगा, वो आपका जो पशु चिकित्सक डॉक्टर है वो डिसाइड करेगा। तो अगर इन सब चीजों का ध्यान रखें, जानवर गर्म जब बरसात हो रही है, बरसात की बात कर रहे हैं तो भीगना नहीं चाहिए, भीगे नहीं जो है, और उसको जो पानी है वो साफ सुथरा दें और साथ ही साथ चारा भी अच्छा। अभी तक हमने जितनी भी चर्चा की है, जितनी भी जानकारी अभी डॉक्टर पाठक ने कार्यक्रम में दी है, वो हमने आपको पूरी जानकारियां अभी फटाफट बता दी है। तो फिलहाल हमें ब्रेक लेना होगा, लेकिन अभी भी समय बाकी है। आपने अगर अभी तक हमें कॉल नहीं किया, व्हाट्सएप नहीं किया, तो अभी भी समय है, लेंगे आपके सवाल छोटे से ब्रेक के बाद। We'll be right back.
जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं लो किसान। और एक कॉलर है जिनका हमारे पास सवाल आया है, उनका हम सवाल लें, उससे पहले एक ईमेल हमारे पास व्हाट्सएप सवाल भी आया, कुछ ईमेल भी आए हैं वो भी हम ले लेते हैं। और हमारे दर्शक हैं ये जिन्होंने शुकर पालन से जुड़ा सवाल भेजा है, गगन है लखनऊ उत्तर प्रदेश से। डॉक्टर जय आपके लिए सवाल है ये, और इनका कहना है कि शुकर की अच्छी सेहत बनी रहे इसके लिए उन्हें कौन सा चारा देना चाहिए, मतलब आहार कैसा होना चाहिए ताकि अच्छी सेहत से मतलब शायद उनका वृद्धि दर से है कि उसका वजन अच्छा बढ़ता रहे। हाँ जी बिल्कुल आपने सही बोला कि अच्छी सेहत के लिए अच्छा आहार जरूरी होता है। जी जी। शुक्रों में जो होते हैं वो जो मार्केट में से कंपाउंडेड फीड मिलता है जो कि बैलेंस्ड होता है, तो वो एक फीड है जो कि कंप्लीट राशन होता है, अच्छे ग्रोथ तक मिलते हैं और ब्रीडिंग भी ये भी अच्छा होता है, तो आप उनको बिल्कुल खिलाएं। अगर आप कभी कंपाउंडिंग करते हैं अपने लेवल पे फीड बनाते हैं तो उसकी जो प्रोटीन की लेवल होती है, मात्रा होती है, जैसे ग्रोअर के लिए, स्टार्टर के लिए, फिर फिनिशर के लिए, सबके लिए अलग अलग, हर कैटेगरी जो पिक्स की होती है उसके लिए अलग अलग जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का लेवल होता है आप उसको मेंटेन करें। साथ ही आप प्रोबायोटिक लवण दें, मिनरल्स के जो मिक्सचर होते हैं वो दें, विटामिन और पानी भरपूर मात्रा में, साफ पानी भी रखें। जी मैम, एक कॉलर है उनका हम कॉल लें, लेकिन जल्दी से आपसे जान लेते हैं क्योंकि इस पर हम अब तक आ नहीं पाए, कौन सी अच्छी ब्रीड्स हैं हमारे देश के अनुसार? देखिए हमारे देश में एक तो विदेशी नस्ल के शुकर है जो कि यहाँ पूरी तरह से अडॉप्ट हो चुकी है, लाल वाइट यॉर्कशायर है, हैम्पशायर है, लैंडरेस है, ड्यूरोक है, ये सारे लोगों ने अपनाया है। इसके अलावा ये कुछ संकर नस्ल के शुकर जो क्रॉस ब्रीड पिक्स होते हैं जो कि विदेशी नस्ल के शुकर और हमारे देशी शुकरों को क्रॉस करके बनाए गए, वो भी काफी अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और यह अलग अलग सीजन के लिए अलग अलग, जैसे कि अगर कोई उत्तर प्रदेश से है तो वहाँ के गुर्रा और जो विदेशी नस्ल शुकर जो क्रॉस लैंडली पिक बनाया गया वो है, अगर कोई हमारे आसाम में है उसके लिए रानी पी वैरायटी है जो कि संकर नस्ल के शुकर है। इसी प्रकार से अलग अलग राज्य के हिसाब से क्रॉस ब्रीड पिक्स भी है। इसके अलावा कुछ लोकल पिक्स हैं जो कि अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, घुंघरू है, उसकी वृद्धि दर और विंटर साइज बहुत ज्यादा है, तो इन सारे नस्लों को शुकर पालन अपना सकते। ठीक है मैम, एक कॉलर है, हम सवाल लेते हैं, दीपक शर्मा है जिन्होंने हमें मध्य प्रदेश से कॉल किया है। दीपक जी स्वागत है हेलो किसान में, बताएं क्या सवाल है। हेलो हाँ मैम जी, दीपक शर्मा जी बताइए सवाल बताएं। जी मैम सवाल तो मैंने बता दिया है, आप फिर से बता दीजिए, अभी हम तक आपका सवाल नहीं पहुंच पाया है, मतलब स्टूडियो में आपका सवाल नहीं आया। मैम हमारी जो भैंस है ना वो अचानक से कुछ दिनों से घास नहीं खा रही है, तो उसके लिए हम पूछना था। ठीक है सर, कुछ पूछना चाहते हैं? दीपक जी घास नहीं खाती है ये तो बड़ा अजीब सी बात है, घास तो भैंस खाएगी, हो सकता है उसको कुछ इंडाइजेशन हो सकता है कहीं पेट में कुछ, उसी के लिए। हाँ तो आप उसके लिए तरीका ये है कि आपने पहले तो ये देखो कि उसके आपने पेट के कीड़ों की जो मैंने अभी बात करी थी, पेट के कीड़ों की दवा दे दी गई है कि नहीं दे दी गई है, अगर नहीं दी है तो दे दें। साथ ही साथ जो है जो पाचक दवाएँ आती हैं बाज़ार में अपनी तरफ से न खरीदें, पशु चिकित्सक को खंडवा के, आप रहने वाले हैं खंडवा के पशु चिकित्सालय ले जाइए अपनी भैंस को और वो जो बताते हैं वो दीजिए। निश्चित रूप से अगर जब उसका पाचन ठीक हो जाएगा तो निश्चित रूप से घास या जो भी आप चारा दे रहे हैं वो जरूर खाएगी। जी जी सर, ये इनडाइजेशन की जो समस्या हम देखते हैं कि इस सीजन में होती भी है, बहुत ज्यादा होती है और खासकर अभी देखिए थोड़े दिनों बाद क्या होगा कि जब हरा चारा कभी कभी जानवर ज्यादा खा जाते हैं, जो नया जो चारा आता है हरा चारा तो उसमें भी जो है अफरा हो जाता है बहुत सारी पशुओं में, कि मैंने कहा ना कि पशु की जो प्रवृत्ति होती है वो जमीन से जो है वो चरते हैं उसको जो, तो उसमें इन्फेक्शन हो जाने के संक्रमण होने के चांसेस ज्यादा होते हैं
और अफरा है या इंडाइजेशन है, ये सब समस्याएं होती हैं जिसमें जिस तरह की दीपक जी कह रहे हैं इस तरह की समस्याएं पशुओं में आती हैं। जी जी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम बीच बीच में, साथ ही मैं ये भी कहता हूँ कि उनका गोबर का परीक्षण भी कराना चाहिए बीच बीच में, समय से आप उसके भैंस के गोबर को ले जाइए नज़दीक के पशु चिकित्सालय में, वो बताएगा किस प्रकार का, अगर कहीं पेट के कीड़े हैं उसमें भी नहीं खाता है पशु नहीं खाता है या कुछ और दिक्कत हो रही है, तो वो सब चीज़ें तभी पता चलेंगी जब आप उसका सही ढंग से परीक्षण करवाएंगे। जी जी। डॉक्टर जया, क्योंकि कार्यक्रम के बिल्कुल अंतिम छोर पर हैं हम, तो मैं जल्द से आपसे जानना चाहूँगी कुछ और बातें जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे शुगर पालन से, जिन्हें अभी तक हम नहीं टच कर पाए या फिर जिन पर बात नहीं हो पाई। मैं शुगर पालकों को यह बताना चाहती हूँ, वो अभी शुगर पालन में जैव सुरक्षा का पूरी तरह से ख्याल रखें। जैव सुरक्षा मतलब बायो सिक्योरिटी, क्योंकि शुगरों में ऐसी कुछ बीमारियां हैं जैसे अफ्रीकी शुगर बुखार, इसका अभी तक कोई टीका नहीं है, एक जैव सुरक्षा एकमात्र उपाय है। अपनी शुगर फार्म की साफ सफाई रखें, आप कहीं शुगर पेट आते हो तो क्वारंटाइन में रखें, और जब अपने शुक्र में किसी तरह बीमारी के लक्षण देखें तुरंत ही पशु चिकित्सक से आप संपर्क करें और बीमार शुक्रों को अपने अन्य शुक्रों से अलग करके क्वारंटाइन कर दें। ठीक है जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जया, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। डॉक्टर जया हमारे साथ थी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। और सर आप भी स्टूडियो में आए और पशुपालन से जुड़ी, मैं तो कहूंगी आपने तो बहुत सारे सवालों के जवाब दिए विषय। बस मैं एक आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ, अपने पशुपालकों से वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन करिए, वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन करेंगे तो निश्चित रूप से ये व्यवसाय आपके लिए बहुत फलीभूत होगा। बिल्कुल, और इसमें आपकी मदद करने के लिए तो हम हैं ही डॉक्टर पाठक, जिन्होंने बहुत सारी जानकारियाँ आज आपको कार्यक्रम के माध्यम से दी, और हमें पूरी उम्मीद है कि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे और जो हमारी कोशिश होती है कि हमारे पशुपालक हमारे किसानों की आय में वृद्धि हो, वो आर्थिक रूप से मजबूत हो, तो आप इसमें ज़रूर कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर एक बार फिर से आपका। नमस्कार। तो इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगले अंक का विषय क्या है आइए डालते हैं सर। अगले अंक का हमारा विषय है खरीफ में उड़द एवं मूंग की बुआई एवं किस्में और कृषि में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग। अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमें पहले भी भेज सकते हैं, आप हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें hellokisan2015@gmail.com, ये हमारा ईमेल आईडी है। और इसके साथ ही कार्यक्रम के बाद भी जो हमारा कॉल सेंटर नंबर है ये आपके लिए उपलब्ध रहेगा, हेलो किसान का कॉल सेंटर नंबर 1800-113060, सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के दरमियान आप कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल इस पर रिकॉर्ड करवाएं जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और हाँ, अगर आपका आज का कार्यक्रम आप पूरा नहीं देख पाए हैं, बीच में से देखा है या फिर मिस कर गए हैं, तो इस QR कोड को अभी आप स्कैन कीजिए अपने मोबाइल से और सीधा आप पहुँच जाएंगे हेलो किसान के कार्यक्रम पर, यानी YouTube पर हमारे चैनल पर पहुँच जाएंगे, जहाँ पर आज का कार्यक्रम आप दोबारा से भी देख सकते हैं या फिर पुराने एपिसोड भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा DD किसान पर प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम भी आप YouTube पर ज़रूर देखें। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।